मेरे साथ है हिंदुस्तान के हुनरबाज के सुपर कूल जज सोनाली बिंद्रा। सोनाली बताइए, कितना एंजॉय कर रही हैं आप शो को? ओह गॉड, आप देखो इन बच्चों को कितने अच्छे से रिहर्स कर रहे हैं। माय गॉड, उफ, ये भी देखना है जाके उधर। बट बहुत मजा आ रहा है। और हम मैंने ये भी देखा है कि जो जो हम देखते हैं बड़े लोग करते हैं, बच्चे उतना ही या उससे अच्छा ही कर लेते हैं, क्योंकि वो इतने इनोसेंटली भी करते हैं दैट यू एंजॉय वॉचिंग देम। बहुत मजा आ रहा है इस पे। अच्छा, ये आपके लिए बहुत नई बात नहीं होगी कि आपने पहले भी एक तरह का शो किया हुआ है जिसमें आपको इस तरह का टैलेंट्स देखने को मिलते रहे हैं। आई थिंक 10 साल पहले मैंने टीवी का जब पहला शो किया था वो था क्या मस्ती क्या धूम, बच्चों का टैलेंट शो था। तो मैं बहुत सालों के बाद बच्चों के टैलेंट शो में वापस आ रही हूँ। सो फॉर मी इट्स अ कम्फर्ट जोन। अच्छा, ये देखिए, इसमें कंटेस्टेंट जो है वो कॉम्पिटिशन के लिए नहीं आते और आप उन्हें उस तरह से जज नहीं करी, तो इस चीज का एक रिलीफ रहती होगी कि आपका दिल नहीं दुखता होगा कि कोई निकलने वाला है किसी को। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बात है इस शो के बारे में, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं इसके बारे में और आप लोग भी हमसे सवाल करते हैं कि बच्चों को ऐसे ट्रीट किया जाता है रियलिटी शो, और यू नो बहुत हंगामा होता है। शो देखो, हुक्स आपके सस्पेंस पॉइंट्स कंपटीशन से आते हैं, तो शो कैसे बने? सो हर शो में कोई ये कोशिश नहीं करता कि हम कुछ अलग ट्राई करें, वो उसी फॉर्मेट में जा रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं और हम लोग यू नो लाइक लिटरली हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि व्यूअर्स से, आप लोगों से, कि आप सपोर्ट कीजिए। ये भी अब लग रहा है कि अब काफी चेंजेस, अगर अब आप पेरेंट्स की तरह सोचने लगी हैं, बहुत सारे बदलाव आ गए आपके अंदर। कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, ये देखिए, सुपर कूल जज हैं आप, तो इसके लिए कितना मेंटेन करना पड़ा, खुद को कितना कूल रहना पड़ता है? कूल क्या रहेंगे, अब जो है वो है। अच्छा, चलते चलते ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो दर्शक देख रहे हैं शो को उन्हें क्या कहना चाहेंगी और आप कितने एक्साइटेड हैं आगे वाले एपिसोड्स को लेकर? वेल, मुझे लगता है कि बच्चे इसको बहुत एंजॉय करेंगे। बच्चों के लिए है और मुझे लगता है बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स, उनके यू नो मेंटर्स, उन पे भी हमने उनकी स्टोरीज भी लाई हुई है कि कैसे उनको मालूम पड़ा कि इस बच्चे में हुनर है, उसको कैसे उन्होंने उस हुनर को, आई थिंक वो एक देख के हम लोग भी सीख सकते हैं कि कैसे स्पॉट किया जाए, कैसे अलग अलग चीजें होती है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा शो है जो सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि इवन देयर पेरेंट्स विल एंजॉय अ लॉट, एंड इट्स अ फील गुड शो। वी आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन, आई एम श्योर यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन। चलिए, बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।